तो चलते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर होकरा गांव के आसपास में और पुष्कर वाले एरिया में क्या चल रहा है। अभी हम जो मेन हाईवे है उससे थोड़ा अंदर चल रहे हैं, क्योंकि ये रिसोर्ट के लिए एरिया जो है डेवलप किया जा रहा है यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू। पूरा एरिया रिसोर्ट के लिए डेवलप हो रहा है। पीछे की तरफ रेलवे लाइन है और इस तरफ ये जो है ये रोड जो जा रहा है, यहाँ पर रिसोर्ट्स के लिए भी प्लॉट्स अवेलेबल किए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये रोड यहाँ तक ही है। यहाँ पर आकर के रोड एंड हो चुका है। अब हम चल रहे हैं हाईवे की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सामने का व्यू आप देख ही पा रहे हो कितना शानदार, मतलब उस हर एक व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑलरेडी कई रिसोर्ट्स है, लेकिन अब रिसोर्ट्स के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जाएगी और नीलामी की जाएगी रिसोर्ट के लिए, रिसोर्ट की जगह के लिए। उसमें जो उम्मीदवार नीलामी में अच्छी बोली लगाए रिसोर्ट उसके नाम, ये देखो आप यहाँ से लेकर के पूरा ये एरिया पूरा रिसोर्ट के लिए ही काटा गया है। ये रोड भी रिसोर्ट के हिसाब से निकाला गया है। ये पूरा कमर्शियल जो है पास किया गया है। अजमेर में अगर पुष्कर नहीं देखा तो फिर आपने अजमेर ही नहीं देखा। पुष्कर ऐसी जगह है, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो है नवंबर से लेकर के और जनवरी तक जो टूरिज़्म रुकता है यहाँ पर वो इसी सीज़न में रुकता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये हम हाईवे में अटैच हो रहे हैं, ये हम जयपुर पुष्कर हाईवे पे हैं अभी इस वक्त। पहले यहाँ पर नहीं हुआ करता था, पहले ये रोड जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर नहीं हुआ करता, पहले उस तरफ से गांव के बीच में से होकर के रोड जाता था। अभी भी है वहाँ पर, लेकिन कई एक्सीडेंट और गांव को देखते हुए आबादी को देखते हुए यहाँ से बाईपास निकल दिया गया बाहर से। ये बाईपास यहाँ से बाहर से होते हुए पुष्कर से तिलोरा, मतलब वहाँ से एक रास्ता पुष्कर के लिए चला जाता है, एक तिलोरा की तरफ चला जाता है, वहाँ से फिर ये नागौर को टच करता है। अगर इसे अगर नाम दिया जाए तो बेसिकली ये नागौर जयपुर हाईवे ही कहलाएगा। काफ़ी सारी भारी भरकम गाड़ियाँ थी जो रोज गुजरती है, तो उनको बाईपास के थ्रू बाहर निकालने के लिए ये रोड बनाया गया। ये हाईवे निकालने का रीज़न इतना ही था कि नागौर से या नागौर की तरफ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो डायरेक्ट जयपुर जो जाना चाहे या जितने भी भारी गाड़ियाँ हैं वो उनको घाटी पार नहीं करनी पड़े पुष्कर की और यहाँ से होकर के चली जाए। इसी वजह से अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना ट्रैफिक है। तकरीबन 4 से 5 महीने पहले तक जब इस पर काम चल रहा था ट्रैफिक कम था, अभी तो बसें ट्रक वगैरह सब हो रहा है। अभी इस पुष्कर मेले पर जो भी गया है नवंबर 2022 का, इस पुष्कर मेले में किसी हाईवे की बदौलत एक ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही गाड़ी घोड़ों की।
पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर कहलाता है ये एरिया, थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से ये बूढ़ा पुष्कर है, ये यहाँ का नज़ारा बूढ़ा पुष्कर और ये पूरा नज़ारा। पुष्कर के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ का एक एक व्यू जो है ना, मतलब वो मन को भजाता है, बोर नहीं होते आप पुष्कर में। सबसे अच्छी चीज़ ये, अगर आप घूमो प्रेमी हैं तो आप बोर नहीं होते पुष्कर में। देख पा रहा आप वहाँ सारी की सारी खेती हो रही है, इस तरफ भी खेती है, वो सामने बूढ़ा पुष्कर है, वो जो दिख रहा सामने बूढ़ा पुष्कर है। पहले किसी टाइम में यहाँ पर ये रोड ऐसे नहीं, यही रोड था, एक पुराना रोड जो था बस यही था, ये यहाँ से होकर के यूँ ये रोड गांव से होकर बीच में से होकर के जाता था जहाँ से बकरियाँ वगैरह होकर जा रही है।